नमस्कार, मैं विलास उरकड़े फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। दोस्तों, हम देश प्रदेश आपके जिले और आपके क्षेत्र से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते रहते हैं, तो आप हमारी खबरों को देखने के साथ साथ हमारे चैनल से सीधे जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस लाल बटन को दबाकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, हम आपके लिए नित्य प्रतिदिन ऐसी ही न्यूज प्रकाशित करते रहे, इसके लिए आप हमारे न्यूज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर वीडियो जब देखते हैं तो कमेंट कर हमें अपने सुझाव और अपने विचार जरूर साझा करें। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही न्यूज प्रकाशित करते रहेंगे, तो देखने के लिए बने रहे सुप्रीम पावर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुप्रीम पावर की ताजा तरीन खबर की। खबर बालाघाट जिले से। वेदांत राय ने मजदूरों की मौत की कीमत 1,00,000 रुपए लगाई। मजदूर जगदीश कस्तूरे के परिवार को 1,00,000 रुपए मुआवजा दिया गया। सूरज ब्रह्म ने विगत 12 मई को दोपहर 12:30 बजे कटेजीरिया माइंस में लॉन्गो रेंज काम कर रहे मजदूर जगदीश कस्तूरे की मृत्यु के संबंध में आज बालाघाट जिला मुख्यालय में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्म एवं भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजकुमार मोहरों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मांग की कि चिखलझोड़ी निवासी मृतक मजदूर जगदीश कस्तूरे के परिवार को 1,00,000,000 रुपया मुआवजा दिया जाए। साथ ही मृतक के परिवार को पालन पोषण के लिए जब तक उनके बच्चे बालिक नहीं हो जाते तब तक उनको 25,000 रुपए प्रति माह दिया जाए एवं रिजर्व फॉरेस्ट में संचालित मैग्नीज माइंस की उच्च स्तरीय जाँच कर संबंधित दोषी अधिकारी तथा ठेकेदार पर दंडात्मक कार्यवाही की जाए। देखिए और भी क्या कहा इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज की रिपोर्ट। क्या बताना चाह रहे हैं और क्या बताऊँगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जो मजदूर के हित में आप लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को समय दिया। आप हैं हमारे राजकुमार मोहरे जी जो भारतीय मजदूर संघ के प्रभारी हैं, विभाग प्रमुख हैं और तीनों जिले के प्रभारी हैं आप। तो जब इनको जानकारी मिली कि एक मजदूर जो जगदीश सरोते हैं उनकी कटेझरी में गिरने की वजह से मौत हो गई, तो ये वहाँ स्थान पर गए और इस संबंध में इन्होंने जो वहाँ का ठेकेदार है कोई वेदानंद राय उससे भी चर्चा किए और चर्चा करने के दौरान मैं उस समय उत्तर प्रदेश में था, मुझे फोन सिंह के द्वारा बताई गई कि ऐसा ऐसी घटना घट चुकी है यहाँ। तो मैं जब मैं आया तो इनके साथ तो स्थल निरीक्षण करने हम लोग गए। स्थल निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि वहाँ 4 फीट का एक दुर्घटना में भी मुझे पता चला कि वहाँ कटे जिले के अंदर कोई खदान है और तो फारेस्ट के अंदर खदान थी। उसके पश्चात जब मैं उसकी उनकी बॉडी के साथ में था तब वहाँ किसी के जो कंपनी उनके मालिक जो है दिमाग रहा है उनके साथ साथ मैं बैठा वहाँ पे। हमने तुरंत में तो उनसे सब जानकारी दी कि भाई खदान कैसे चल रही है, क्या कर रही है। तो बोले भैया खदान में विधिवत की कार्रवाई हो रही है, विधिवत चल रहा है खदान और इनका पीएफ भी कट रहा है और बोले इनका बीमा भी है और बोले इनको कंपनसेशन की जो राशि है वो भी मिलेगी क्योंकि बोले इनका सारा विधिवत तरीके से रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं बोला भैया कंपनसेशन की जो राशि है तो आएगी तो समय लगेगा, महीना 6 महीना 7 महीना लगेगा।